और आज मैं इसकी मम्मी से बात करने जा रहा हूँ अपनी। हैप्पी दशहरा भाई सभी लोगों को। राम राम सारे नु। राम राम सारे। सिस्टम पार्ट देंगे। तो यार आज है विजयदशमी दशहरा। तो आज के दिन है दशहरा, रावण दहन। तो अभी मैं खड़ा हूँ अपने दोस्तों के साथ, जो कि ये हैं हमारे आकाश भाई जो मेरे राइट साइड में खड़े हैं, और अमन, राहुल और ये चूजा, इसका नाम भूल गया, किशन। ठीक है, तो यार ये हमारी डांस क्लास है, ये हमारी डांस क्लास है EDC। ये है उल्टा दिख रही है आपसे EDC। तो यहाँ पे पहले हम लोग हम लोग साथ प्रैक्टिस करते थे, अभी मैं म्यूजिक में आ गया हूँ और ये लोग अपनी डांस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे हैं। तो अभी हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं सारे लोग? दशहरा ग्राउंड। आइए देखते हैं, बैठ चंद मजा आएगा। और इनका भी एक डांस का चैनल है, वो जल्दी से बता दो। EDC Eternals। बाकी मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप लोग देख लेना। और यार देर ना करते हुए हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं मेले में, और मेले में घूमेंगे बड़े बड़े झूले और भूत वाले बंगले में जाएंगे, भूत को पकड़ के मारेंगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल यार बने रहे आज के ब्लॉग में, मजा आएगा क्योंकि संडे के बाद में डायरेक्ट आज सेकंड बार जा रहा हूँ ऐसे चेक स्पैरो बनके। चलो चलते हैं सीधा, तो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, सो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मेला देखने के लिए, तो वेलकम टू आवर इंडियन जैक स्पैरो व्लॉग। सो गाइस ये रहा इंडियन जैक स्पैरो। तो यार मैं वो दोस्तों को छोड़ के सीधा इधर आए क्योंकि वो लोग बहुत टाइम लगा रहे थे, ये लोग बहुत देर से मेरे को कॉल कर रहे थे। झूठ बोल रहा है। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं इनके वाले रावण। एक तो रावण ये है हमारा। क्या बोला तूने? तो रावण में इसको जलाएंगे और एक असली वाला जो रावण मरना है उसको भी जलाएंगे। स्टार्ट करो। मैं नहीं, मेरे से कोई जल जाएगा, मैं मेरे को कौन जलाएगा। ठीक है, सो गाइस हमारे साथ एक ये है मुस्कान है, सूर्यांश है, एंड यहाँ पे लोग जुड़ने वाले हैं। ठीक है, और आज मैं इसकी मम्मी से बात करने जा रहा हूँ अपनी, मतलब उसकी वीडियोस की। तो मिलते गाइस आगे, हम आपको मेले में। ओके ठीक है। हमारे एरिया में शुरू होते ही इसके फैन वगैरह मिलने लग गए, मतलब लोग जानते हैं इसको यहाँ पे भी। तो यार हमें नहीं जानी तो किसे जाने। हाँ, तो मतलब हम अपने एरिया साइड ले जा रहे हैं जहाँ पे रावण वगैरह लाइक मेला वगैरह लगा है ना, तो ये पहली बार आ रहा है इधर साइड। की मम्मी से बात करने जा रहा हूँ। हाँ वीडियोस के, कि आंटी हम आप हमारे घर पे वीडियो बनेंगे। गाइस ये बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव वाले लोग हैं, बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जा रही है हमारे रावण भाई को, देख सकते हो आप। इसको बिठा के चलाएंगे। तो गाइस यहाँ पे भी इसके फैन वगैरह मिल गए। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है इस रावण पे। गाइस यहाँ हो रहा है भंडारा, तो जिसको भी शादी में आना हो वो आ सकता है और यहाँ पे खाना खा सकता है ना। लेकिन एक सेकंड, 280 रुपए किलो जलेबी मिल रही है। 280 किलो तो यहाँ पे खाना खा सकता है, और आपको कोई मना नहीं करेगा खाना खाने के लिए, बस बात ये पैसे भर देना कुछ भी, क्योंकि बिना पैसे भरे जाओगे तो आपसे बर्तन मजवाए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए है, पैसे आपको अपने खुद देने पड़ेंगे। तो हम आ ही गए, मतलब गाइस लाइक पास में ही हम लोग, थोड़ी दूर और दूर नहीं, मतलब कुछ ही देर में कदमों से। तो गाइस इसके दोबारा से फ्रेंड मिल गए यहाँ पे। लोकेशन एंड हमारा इंडियन जैक स्पैरो, दैट इज बहुत ही ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब मैं इतनी ऊंची हूँ बट मेरे को काम नहीं आ रही। मैं रावण आज हमारे ब्लॉग में इनायत भी आ गई है, ये रहा जैक स्पैरो, कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा भीड़ है, पता नहीं कैसा लग रहा है। जब फटेगा सबकी बम में आग लग जाएगी, भीड़ है क्योंकि भाग भी नहीं पाएगा, एक दूसरे को चल जाएगा। तो गाइस अब तो गौतम की बारात भी आ गई। चल गया फाइनली हमारा रावण। हाँ भाई आग लगवा ली तूने। यार बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं पोपो वाले, ये हमारी जीवन की देखो बहन के लोड़े हैं। सॉरी 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 साहिल। सो गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है, एंड हमारे जो हम बोल रहे हैं। हम आ गए सेकंड मेला में, जो कि यहाँ पे भी इसके बहुत सारे फ्रेंड वगैरह है। तो ये रहा गौतम जैक स्पैरो, इंडियन जैक स्पैरो। तो पूरा इसका फाइनल लुक आज का ही है,
और हमारे साथ साथ चेक मारो। और हम लोग मतलब सोच रहे हैं झूला झूलने का, बट लग नहीं रहा कि हम झूला झूल पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है। पहली बात तो क्राउड बहुत है, आवाज तो मेरी जा ही नहीं रही होगी, ये फालतू में बोले जा रही है गाइस। मेरी आवाज जा रही होगी।